मित्रों, हिंदू धर्म में समय के कालखंड को चार युगों में बांटा गया है, जिनमें से अभी कलयुग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग बीत चुके हैं। आज के समय में अधर्म अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है। समाज में आए दिन हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को आम मिलती हैं। ऐसे में अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर इस श्रापित काल अर्थात कलयुग की समाप्ति कब होगी और उस समय ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे जिनसे ये पता चल सके कि कलयुग अब खत्म होने वाला है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही मिलकर जानेंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि हम आज की ये वीडियो शुरू करें, आपके लिए एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है अमेजॉन पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। और अब लौटते हैं हमारे विषय पर। मित्रों, हिंदू धर्म के भागवत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इन्हीं धर्म ग्रंथों से संकलित कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो हमें कलयुग के अंत की तरफ दिखने लगेंगे। ध्वस्त हो जाएंगे सामाजिक नियम। शिव पुराण में महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण एवं आश्रम जैसे नियम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। वेदों और धर्म शास्त्रों में लोगों की रुचि कम हो जाएगी। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य लोग अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पुत्र भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे और पिता का सम्मान नहीं करेंगे। जो बलवान होगा, लोग उसी को सम्मान देंगे, भले ही वो अधार्मिक प्रवृत्ति का हो। विवाह में दहेज जैसी प्रथा समाज में हावी हो जाएगी। कलयुग में लोग वैदिक नियमों से दूर होते चले जाएंगे और अपनी सुविधानुसार व्रत एवं अनुष्ठान का पालन करेंगे। धन के बल पर सिर्फ धार्मिक होने का दिखावा किया जाएगा। धर्म में पाखंड का प्रवेश होगा। जो इंसान थोड़ा सा भी धन कमा लेगा, उसके अंदर घमंड समा जाएगा। जो अधिक देगा, उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। लोग एक दूसरे से केवल पद के आधार पर संबंध रखेंगे। आत्मीयता जैसे भाव लोगों में रहेंगे ही नहीं। यही नहीं, लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ने लगेगा। परिणाम स्वरूप सरल और सीधे इंसान का जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर वो भरोसे पर किसी को उधार देगा तो सामने वाला उसका कर्जा नहीं लौटाएगा और ज्यादा मांगने पर उसे धमकाएगा भी। मनुष्यों की आयु में आएगी कमी। कलयुग में इंसानों की उम्र दिन ब दिन घटती जाएगी और बहुत कम उम्र के लोग रोगी होने लगेंगे। लोगों के बाल 16 वर्ष की छोटी सी आयु में ही पकने लगेंगे। और इतना ही नहीं, 20 वर्ष की उम्र आते आते कलयुग के लोग बूढ़े होने लगेंगे। ये बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि अगर हम अपनी पिछली कुछ पीढ़ियों से वर्तमान पीढ़ी की तुलना करें तो ये बात साफ साफ दिखती है। जहाँ कभी औसत आयु 100 वर्ष के लगभग थी, वहीं आज 60-65 हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में आने वाली ये कमी आती रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। इतना ही नहीं, घोर कलयुग में तो 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 और 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। लोग मंदबुद्धि हो जाएंगे और व्यर्थ के कामों में अपना समय खर्च करेंगे। बढ़ जाएगा अनैतिकता का दायरा। मित्रों, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्त्री और पुरुष दोनों धर्म के मार्ग से बुरी तरह भटक जाएंगे। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा कि जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। रिश्तों की गरिमा तार तार हो जाएगी और ज्यादातर लोग गंदे बद्दे और अश्लील साहित्य पढ़ने और देखने लगेंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। जहाँ स्त्री अपने पतिव्रत का पालन नहीं करेगी, वहाँ पुरुष भी पर स्त्रियों के साथ संबंध बनाएंगे। स्त्रियों और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम
विलुप्त होते जाएंगे। जिसके पास भी धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी और धीरे धीरे मनुष्यों का स्वभाव भी जानवरों के समान होता जाएगा। छीना झपटी बढ़ने लगेगी, लोगों की भाषा भी काफी खराब हो जाएगी और छोटी छोटी बात पर ही लोग अपशब्दों का इस्तेमाल और खून खराबा करने से भी नहीं हिचकेंगे। लोग अपना अधिकतर समय भोग विलास में बिताएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे और सभी एक दूसरे को लूटने खसूटने में लगे रहेंगे। चारों ओर होगा अशांति और अपराध का माहौल। समाज में हिंसा का एक ऐसा विकृत चेहरा देखने को मिलेगा जो ना किसी ने कभी सोचा होगा और ना ही देखा होगा। जो भी लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट होती जाएगी, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। कलयुग के अंतिम चरण में चोरी, हत्या और डकैती की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। लोगों में दौलत की भूख इस कदर हावी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अधिकांश लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। ग्रह कलेश बढ़ने लगेंगे, लोगों में संयम नहीं रह जाएगा, मनुष्यों को सब कुछ तुरंत चाहिए होगा। इच्छाओं के ज्यादा बढ़ने और तुरंत उनके पूरा न होने से लोग क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे जिससे वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे। दुनिया में कई जगह अति भयंकर और भयानक युद्ध होंगे जिसमें निर्दोष लोग मारे जाएंगे और देशों के ज्यादातर शासक भी सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहेंगे। गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने स्वधामों को लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। मनुष्यों के खान पान में आएगा अंतर। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि कहीं भी अन्न नहीं उगेगा। जो वृक्ष फलों से लबालब भरे रहते थे वो पूरी तरह से सूख जाएंगे और उसमें फल नहीं लगेंगे। लोगों में तामसिक प्रवृत्ति हावी हो जाएगी और ज्यादातर मनुष्य मांस मछली खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। मदिरा पान करना प्रतिष्ठा का पैमाना हो जाएगा। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली गाय माता की संख्या बहुत कम हो जाएगी। जो होंगी भी उनकी देखभाल ठीक से नहीं होगी और उनका शरीर बकरी के समान दिखने लगेगा। यही नहीं, गाय दूध देना भी बंद कर देगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दुनिया में पापी इतने हावी हो जाएंगे कि चारों ओर दुख, अशांति और कलह का वातावरण रहेगा और तब होगा कलयुग का अंत। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, गड्ढे खोदकर उन्हें रहना पड़ेगा। धरती का 3/4 अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। बहुत लंबे काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल होगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। जिसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी फिर सूख जाएगी। ऐसे में पाप जब अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में जन्म लेंगे और पापियों का संहार करेंगे और इस प्रकार पुनः सृष्टि में शांति और धर्म की स्थापना होगी और शुरुआत होगी सतयुग की। और कैसा होगा सतयुग ये हम आपको बताएंगे किसी और वीडियो में, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स और फेसबुक पर देखने वाले व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।